नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। औरैया बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बेला रोड पर स्थित कमलपुर नहर पुल पर दरोगा की कार में सामने से आ रही इको कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद इको वैन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में पुरवा सुजान चौकी में तैनात दरोगा समेत इको कार सवार घायल हो गए। घायलों को सीएससी बिधुना में भर्ती कराया गया, जहां से दरोगा समेत चार लोगों को प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सैफईबाग कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मंगलवार की देर शाम बिधुना कोतवाली क्षेत्र के कमलपुर नहर पुल पर पुरवा सुजान चौकी प्रभारी उदय प्रकाश अपनी बलेनो कार से बिधुना की तरफ जा रहे थे, तभी कानपुर देहात रसूलाबाद निवासी तौफीक अपने परिजनों के साथ बहन की चौथी की विदा कराने कानपुर देहात की तरफ से आ रहा था कि तभी कमलपुर नहर के पास रास्ते में आगे से आ रही चौकी के प्रभारी उदय प्रकाश के बीच टक्कर हो गई। हादसे में वैन सवार तौफीक, रेहान, सोहेल, सोनी, मायरा घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी कार में सवार पुरवा सुजान चौकी के प्रभारी भी बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भी सीएससी बिधुना में भर्ती कराया, जहां से तीन लोगों को सैफईबा, एक को कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। पेशेंट लाए गए थे, किस तरीके से लाए गए थे, क्या रहा था? अभी 6 मरीज आए हुए थे, जो दो गाड़ियों के भिड़ंत से हेड इंजरी वाले थे कुछ, तो उनमें से चार को रेफर कर दिया गया है फर्स्ट एड करके, जिसमें कुछ तीन को कानपुर रेफर किया गया है, एक सैफईबा। सर सैफईबा रेफर किए गए कौन थे? सैफईबा रेफर किए गए SI थे, जो PS मतलब थाना बेला में पोस्टेड हैं, वो थे। मामला सामने आया जहाँ सब इंस्पेक्टर की गाड़ी और जो है एक इको गाड़ी में दोनों में भिड़ंत हुई है, कितने लोग घायल हुए, किस तरीके से रहे? आज सायं लगभग 8 बजे एक इको गाड़ी जिस पर 6 लोग सवार थे रसूलाबाद से इटावा की तरफ जा रही थी, वहाँ कमलपुर नहर के पास जो एक बिलोनो गाड़ी जो बिधुना की तरफ आ रही थी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर इको उदय प्रकाश पर बैठे हुए थे, उसमें इको गाड़ी टक्कर मार दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुई और उस पर सवार लोग जख्मी हो गए, जिसमें बिधुना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें CSC लाया गया, इसमें तीन व्यक्ति हाईलाइट अस्पताल कानपुर रेफर हो गए तथा एक उदय प्रकाश सफाई इटावा के लिए रेफर हो गए और मौके पर शांत व्यवस्था कायम है।